एंकल लिगामेंट्स के बारे में बात करना है तो ATFL मतलब एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट सबसे कॉमनली टूटने वाला लिगामेंट है। इसका सही समय पर इलाज करवाया तो ये 90% लोगों में बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है। दोस्तों, क्रुशिएट्स में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, स्पोर्ट्स इंजरी एंड आर्थोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे ATFL लिगामेंट क्या होता है, ये कैसे टूटता है, एक बार ये टूटने के बाद हम सर्जरी से कैसे बच सकते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले हम बात करते हैं एंकल लिगामेंट्स के बारे में। एंकल हमारा शरीर के एक इम्पोर्टेंट जॉइंट है। दिखने में ये एक छोटा जॉइंट है, लेकिन ये हमारा शरीर का पूरा वजन लेता है और चलने में बैलेंस देता है। इसको मजबूती दोनों तरफ के लिगामेंट से मिलती है। एक है मीडियल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स, ये एंकल की अंदर की तरफ होता है। दूसरा है लैटरल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स, जो एंकल के बाहर की तरफ रहता है। अंदर वाले मीडियल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स को डेल्टॉइड लिगामेंट्स भी बोलते हैं। लैटरल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स में ATFL सबसे कॉमनली टूटने वाला लिगामेंट है। इसके बाद का नंबर आता है CFL मतलब कैलकेनियोफिब्रुलर लिगामेंट, ये दूसरा सबसे ज्यादा टूटने वाला लिगामेंट है। इस टाइप की इंजरी एंकल अचानक अंदर की तरफ मुड़ जाने के वजह से होती है। ये आमतौर पर महिलाओं में ज्यादा होती है। खिलाड़ियों की बात करें तो ये एथलीट्स, जिमनास्ट, स्केटर्स और डांसर्स इसका ज्यादा शिकार होते हैं। इसका लक्षण के बारे में बात करें तो चोट लगने के कुछ ही देर के बाद स्वेलिंग आ जाती है, चलने में परेशानी होती है, अंदर की ब्लीडिंग के वजह से स्किन का कलर चेंज भी हो सकता है। इस सिचुएशन में लोग एक बड़ी गलती करते हैं, पास में कहीं एक्सरे करवा के देखते हैं। लिगामेंट इंजरी में एक्सरे तो नॉर्मली रहता है और इसको एंकल की छोटी मोच समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। उस टाइम चोट की गंभीरता उनको समझ में नहीं आता है। जब चोट फ्रेश रहती है, टूटा हुआ लिगामेंट की फिर से जुड़ने का ताकत बनी रहती है। उसी समय एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट को दिखा के आप सही इलाज करवाया तो सर्जरी से बच भी सकते हैं। वही ये चोट 3 महीने से ज्यादा पुरानी हो गई तो लिगामेंट की फिर से जुड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। इसके बाद एंकल में बार बार सूजन और दर्द रहना चालू हो जाता है। लिगामेंट टूटने के वजह से एंकल की मजबूती खत्म हो जाता है और बार बार अंदर की तरफ मुड़ने लग जाता है। अब बात करते हैं चोट लगने के तुरंत बाद आपको क्या करना चाहिए। पहले आपको एक एंकल बाइंडर पहनना होगा। एंकल बाइंडर की इलास्टिक स्ट्रैप बाहर एक लिगामेंट के जैसे काम करता है और अंदर के टूटे हुए लिगामेंट को रेस्ट देता है। इसके वजह से टूटा हुआ लिगामेंट को फिर से जुड़ने के लिए मदद मिलता है। दूसरा, आपको दिन में 4 से 5 बार 15 से 20 मिनट तक बर्फ से सिकाई करना चाहिए। ये ब्लीडिंग, सूजन और दर्द को कम करता है। इसके बाद आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है और कोई स्ट्रेसफुल एक्टिविटी नहीं करना है। इसके बाद एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट की ओपिनियन लेना चाहिए। वो आपका एंकल को एग्जामिन करके मेडिकेशन सजेस्ट करेंगे, जिसके मदद से आप रिकवरी कर सकते हैं। चोट के बाद एक्सरे तो नॉर्मली रहता है, इसको सही पता करने के लिए एक MRI की जरूरत होती है, लेकिन MRI चोट लगने के 2 से 3 हफ्ते के बीच में करानी चाहिए। इससे जल्दी कराया तो ब्लीडिंग और सूजन के वजह से रिपोर्ट में गलतियां भी हो सकती है। 90% से ज्यादा लोग तुरंत इलाज करवाने से बिना सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। फ्रेश इंजरी में हीलिंग को बढ़ाने के लिए PRP अथवा ACP इंजेक्शन का मदद ले सकते हैं। वही चोट 3 से 4 महीने से ज्यादा पुरानी है, MRI में ATFL अथवा CFL टीयर दिखाई दे रहा है, बार बार एंकल पे दर्द और सूजन आ रहा है तो आपको ATFL लिगामेंट की रिपेयर अथवा रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको फायदेमंद होगा। आप भी एंकल लिगामेंट इंजरी से परेशान है तो और इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे अपना MRI भेजकर फ्री एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। धन्यवाद।